माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे ग्लोबल साउथ समिट को लेकर। आज के गंभीर समय में विश्व स्तरीय विकास की जरूरत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। किसी भी देश के लिए ये जरूरी बन चुका है कि वो अपने पड़ोसी एवं आर्थिक स्तर पर सामान्य देशों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाकर रखें और उनके भी विकास में अपना संपूर्ण योगदान दें। भारत भी अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए कई सजग कदम उठा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसी दिशा में एक प्रयास है। बता दें कि ये समिट 12 और 13 जनवरी तक चला है। इसका उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा है कि वर्ल्ड इज इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस। उनके इस ओपनिंग रिमार्क का मतलब है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस समय संकट का माहौल है। विश्व के किसी कोने में युद्ध चल रहा है, वहीं कहीं प्राकृतिक संकट है जिसके कारण कई दूसरे देशों पर भी आर्थिक एवं सामाजिक तनाव बढ़ता है। वहीं मोदी ने प्रगतिशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को आश्वासन देते हुए कहा है कि आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकता है और जो आपकी आवाज है वही भारत की भी आवाज होगी। इस पूरे समिट की विचारधारा को समझने के लिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज को समझना अहम बन जाता है। भौगोलिक रूप से ये वो देश हैं जो ग्लोब में दक्षिणी भाग में आते हैं। इसमें आने वाले अधिकांश देश आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर एक समान हैं। इन देशों के बीच कई कॉमन फैक्टर भी हैं जिससे ये एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज में इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ्रीका, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि शामिल हैं। वहीं नॉर्थर्न कंट्रीज में यूरोपियन कंट्रीज मुख्य रूप से आती हैं, जैसे कि यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि। ऐतिहासिक तौर पर यूरोपियन कंट्रीज का दक्षिण में आने वाले देशों पर दबदबा साफ तौर पर दिखता है, जैसे कि भारत में ब्रिटेन के द्वारा किया गया राज, अफ्रीका में फ्रांस और ब्रिटेन का शासन, वहीं दूसरी ओर जर्मनी का डोमिनेटिंग नेचर भी इतिहास बन चुका है। कॉलोनियल एवं अन्य पास्ट रखने वाली ये कंट्रीज आज भी पूरी तरीके से उबर नहीं पाई है। अभी भी अधिकांश देश डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। वहीं दूसरी ओर संसाधनों के रूप में पीछे होने के बावजूद यूरोपियन कंट्रीज आज विकसित एवं संपन्न हैं। आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो अपनी आवाज को उठा सकें और अपनी जरूरतों को भी पूरी दुनिया के सामने रख पाएं। इस आयोजन का थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जिसके तहत विश्व स्तर पर इन सभी विकासशील देशों को एक साथ लाया जाएगा और एक सटीक दिशा में वार्तालाप संभव होंगे। ग्लोबल फोरम आम तौर पर विकसित देशों से भरे होते हैं और ये साफ तौर पर देखा गया है कि ये विकसित देश विकासशील देशों के मुद्दों से कई बार अपरिचित रह जाते हैं। इस दो दिन के समिट में विकासशील देशों की कई अनेक समस्याओं एवं मुद्दों को उठाया गया है। मुख्य तौर पर इसमें फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस, एनर्जी, स्वास्थ्य, एजुकेशन एवं एनवायरमेंट पर फोकस किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार इस समिट में लगभग 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस आयोजन के होने का कारण G20 से भी ताल्लुक रखता है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बड़े प्लेटफॉर्म पर सभी विकासशील देशों के विचार रखने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक बड़ा पड़ाव है। G20 जैसे बड़े स्तर पर भारत अब अधिक से अधिक डेवलपिंग कंट्रीज का मत और समस्याओं को सामने ला पाएगा। वहीं इस समिट से भारत दुनिया की भलाई की ओर एक नेक कदम भी बढ़ा रहा है, जिसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक बहुत ही बेहतर रुझान है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इन सभी विकासशील देशों की एकता एक दूसरे को कितना फायदा पहुंचाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।